बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, हर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक है मेरा व्हाट इज़ नेट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, मैंने एक NTS की सीरीज़ बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को NTS के बारे में बताया, NTS क्या चीज़ होती है। NTS जो है हमारे पास नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, ठीक है, जो टेस्ट कंडक्ट करवाती है। FSC जिन लोगों ने कर ली होती है, BSc जिन लोगों ने कर ली होती है, उन सबको, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उस लेक्चर का, तो आप लोग वहाँ यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो क्लास 2 है हमारी NTS सीरीज़ की, जिसमें जिसका टॉपिक है हमारे पास नेट, ठीक है। अच्छा, अब नेट क्या होता है, व्हाट इज़ नेट? नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। अब नेट की भी आगे से डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसे NTS था हमारे पास, NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करवाती थी। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 टाइप्स के हमारे पास नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जिसमें नेट और गैट आ जाता है, ठीक है। तो नेट जो है हमारे पास नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट था, और गैट जो था हमारे पास जनरल असेसमेंट टेस्ट था, ठीक है। वो BSc वालों के लिए होता है और नेट FSC वालों के लिए होता है। अब मैंने सोचा कि आप लोगों को नेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि नेट क्या चीज़ है। तो नेट हमारे पास है सिंगल पेपर टेस्ट होता है, जो डिज़ाइन करते हैं कैंडिडेट्स के लिए ताकि वो एडमिशन ले सकें यूनिवर्सिटीज़ में या अच्छे कॉलेजेस में। तो ये NTS का टेस्ट इसलिए होता है, ठीक है। ये एसोसिएट करता है NTS से, NTS ये टेस्ट कंडक्ट करवाता है नेट के भी और गैट के भी। अब इसको आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि नेट जो है हमारे पास एंट्री टेस्ट है एक टाइप का, ठीक है। तो इसकी पासिंग परसेंटेज जो है वो 50% है, मतलब कि 100 में से आपने अगर 50 मार्क्स ले लिए हैं तो आप पास हैं। वैसे तो टोटल 90 मार्क्स होते हैं, लेकिन परसेंटेज जो है हमारे पास वो बनती है 100% से। तो 100% का जो 50% होता है, आपने अगर इतने मार्क्स ले लिए हैं तो फिर आप पास हैं, ठीक है, और एलिजिबल है आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास नेट की जो है वो 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। नेट की 2 टाइप्स है, एक होता है नेट 1, एक होता है नेट 2। नेट 1 जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, जिन लोगों ने ग्रेजुएट लेवल क्लासेस के लिए एडमिशन लेना होता है, ये उन लोगों के लिए होता है। जैसे कि आपने अगर कंप्लीट कर लिया 12 ईयर ऑफ स्टडी, FA कर लिए या FSC कर लिए या ICS कर लिए, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, नेट 1 का टेस्ट दोगे, ठीक है। आगे अगर आप लोगों ने BSc के लिए एडमिशन लेना है या BS के लिए एडमिशन लेना है, ठीक है। तो नेट 2 जो है हमारे पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास नेट 2, ये होता है मास्टर लेवल में अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो उसके लिए होता है नेट 2, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग 14 ईयर्स ऑफ स्टडीज़, आप लोग जैसे आप लोगों ने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, मास्टर लेवल में अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो इस टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे तो, और आपको MSc में आपको एडमिशन मिल जाएगा इजीली, ठीक है। ये नेट 1 और नेट 2 था। आगे फर्दर नेट 1 की भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे प्री इंजीनियरिंग के लिए होता है नेट 1, तो नेट 2 प्री इंजीनियरिंग के लिए नेट 1 होता है। इसी तरह से आपके पास प्री मेडिकल के लिए नेट 1 होता है। इसी तरह से आपके पास प्री आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए नेट 1 होता है, ठीक है। इनको फर्दर आगे डिवाइड किया हुआ है, तो उसकी डिटेल भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, नेट 1 और नेट 2 के आगे फर्दर टेस्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ। नेट 1 में जो आ जाता है आफ्टर FA FSC, आप लोगों ने जो करना होता है, आप लोग जब बुक्स लेने जाते हो शॉप पे, मतलब अगर किसी ने तैयारी करनी है तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बुक्स ले लेते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मेंशन होता है, जैसे नेट 1E, ये उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों ने प्री इंजीनियरिंग की होती है, ठीक है। FSC में आप लोगों ने अगर प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो आप लोग नेट 1E की बुक लोगे, ठीक है। इसी तरह नेट 1M जो है ये मेडिकल के लिए होता है, ठीक है, ये यहाँ से आप लोगों को पता लगे इंजीनियरिंग मेडिकल और यहाँ से आर्ट्स, ठीक है। तो नेट 1M जो है वो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिन लोगों ने प्री मेडिकल किया होता है, ठीक है। उस बुक में उसी तरह से जैसे पैटर्न होता है उस तरह से उन लोगों ने पूरे पूरे पेपर सॉल्व किए होते हैं, इस तरह से आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है। और नेट 1A जो है वो हमारे पास आर्ट्स ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। ये जो नेट 1 की सारी कैटेगरी है ना, ये आफ्टर 1 ईयर ऑफ स्टडीज़ है, ठीक है, आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ स्टडी, FSC, FA और ICS, ठीक है। तो ये आर्ट्स वालों के लिए हो गया, और ये फिर इंजीनियरिंग मेडिकल और ये कंप्यूटर साइंसेज के लिए, इस तरह से। अच्छा, अब नेट 2 पे आ जाते हैं। नेट 2 जो है हमारे पास ये आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ स्टडीज़ का जो था नेट 2A जो है ये आर्ट्स और सोशल साइंसेज के लिए, जैसे BSc हम लोग कर लेते हैं आर्ट्स और सोशल साइंसेज में, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज़ रख लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये आर्ट्स वाले ग्रुप के लिए नेट 2A है, और नेट 2B जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेज ग्रुप के लिए, जिन लोगों ने बायो रखा होता है BSc में। इसी तरह नेट 2M जो है वो मैनेजमेंट साइंस ग्रुप के लिए, जिसमें
मैनेजमेंट की क्लासेस होती हैं, बाकी सब सब्जेक्ट्स मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैनेजमेंट साइंसेस से रिलेटेड रखे होते हैं। नेट 2P जो है वो फिजिकल साइंसेस ग्रुप में, जैसे कोई BSc में रख लेता है फिजिक्स रख लेता है, इसके साथ डबल मैथ रख लेता है, या कोई सिंगल मैथ रख लेता है, कोई फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर रख लेता है, इस तरह से फिजिकल साइंसेस ग्रुप के लिए नेट 2P होता है, ठीक है। नेट 2O जो है वो ओरिएंटल एंड इस्लामिक स्टडी ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी नेट 1 की और ये नेट 2 की, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब जो है हमारे पास तीसरी चीज़ क्या हम देखते हैं यहाँ पे, नेट 1 जो है, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था पेपर पैटर्न, ठीक है। पेपर पैटर्न में मैंने आप लोगों को क्या चीज़ बताई थी, एक था इंग्लिश पोर्शन, इसके अलावा एक था क्वांटिटेटिव पोर्शन, एक था हमारे पास एनालिटिकल पोर्शन और एक था सब्जेक्ट पोर्शन। अब जो ये नेट 1 वाला है ना, इसमें था 20 मार्क्स थे, इसके भी 20 मार्क्स थे, इसके भी 20 और सब्जेक्ट के 30 मार्क्स थे। लेकिन ये जो नेट 2 वाला है ना, इसके टोटल मार्क्स 90 बनते थे, ठीक है। तो नेट 2 वाला जो पोर्शन है इसमें इंग्लिश के 20, क्वांटिटेटिव के 20 और एनालिटिकल के 20, लेकिन सब्जेक्ट के जो है वो 40 मार्क्स बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटल 100 मार्क्स का होता है नेट 2, ठीक है। ये थी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन नेट से रिलेटेड। अच्छा, अब आप लोगों का जब रिजल्ट आता है नेट का, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग पास हो जाते हैं, 50% के मार्क्स ले लेते हैं, पूरे क्राइटेरिया पे पूरा उतर जाते हैं, तो आप लोगों ने वो रिज़ल्ट जब आगे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो रिज़ल्ट आप लोगों ने अटैच कर देना है जब आप लोग फॉर्म सबमिट करवाते हो, या फीस कोई फ़ी चलान वगैरह आपने भेजना है अगर, तो वो आप रिज़ल्ट कार्ड जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन अगर आप लोगों ने लेना है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका NTS का रिज़ल्ट आप अटैच कर देते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये नेट का था, थोड़ी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी नेट से रिलेटेड। तो बाकी जो है मैं आपको इंग्लिश का पोर्शन भी करवा दूँगी, इसमें बताऊँगी इंग्लिश के पोर्शन के लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊँगी और बताऊँगी आप लोगों को कि इस इंग्लिश के पोर्शन में कैसे क्या क्या आता है। वर्बल रीजनिंग हो जाती है, वर्बल रीजनिंग में आगे इसके कितने पार्ट्स होते हैं, और इस तरह क्वांटिटेटिव का मैं अलग से एक लेक्चर बना लूँगी, एनालिटिकल का अलग से, और सब्जेक्ट का साइंसेस सब्जेक्ट्स का ज़्यादा फोकस करूँगी मैं, ठीक है। तो ये NTS सीरीज़ की सेकेंड क्लास थी, नेट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को गैट से रिलेटेड भी थोड़ा सा गाइड कर लूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लग गया है लेक्चर, तो आप लोगों को समझ भी आई है, तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने इतना सब कुछ सर्च करके मैंने आप लोगों के लिए इजी वर्डिंग में थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश की है। तो मैंने नोट किया ज़्यादातर 70% लोग जो हैं, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो लोग सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस, मतलब अगर आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मुझे कमेंट में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए मैं प्रॉपर एक अलग से लेक्चर बना दूंगी, तो बच्चों के लिए आसानी से इजी वर्डिंग में चीज़ों को समझाने की कोशिश थी छोटी सी। तो अब नेट का हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश का पोर्शन करेंगे, इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को करवाऊंगी, बिल्कुल स्टार्ट से हम लेंगे जो इनिशियल इंग्लिश ग्रामर की सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम ग्रामर के पोर्शन में आगे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और इन चीज़ों को समझ के अगर चाहें तो आप लोग एक प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि NTS आप लोग एक बार ज़रूर दें, आप लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो NTS आप लोग एक बार अगर देते हैं, तो आप लोगों को अगर पास नहीं होता, तो आप लोगों ने बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना, दोबारा उसको दे, क्योंकि हर मंथ NTS का टेस्ट होता है। तो जितना आपका अच्छा ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों को चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। इसमें होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश होती है, क्वांटिटेटिव पोर्शन होता है, एनालिटिकल सब्जेक्ट, जितनी बार आप लोग दोगे, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप लोगों की जितनी अच्छी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा। तो अगर मेहनत की आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया, तो इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप लोग क्लियर कर लोगे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी चीज़ है। इंग्लिश का पोर्शन बेसिक इंग्लिश ग्रामर होती है, इसमें क्वांटिटेटिव पोर्शन में मैथ से रिलेटेड होता है, और एनालिटिकल क्वांटिटेटिव पोर्शन में और एनालिटिक पोर्शन में जो है मैथ से रिलेटेड होता है, अलजेब्रा वगैरह हो गया, और इसी तरह से इन सब टॉपिक्स पे मैं अलग से आप लोगों के लिए लेक्चर बनाऊँगी, तो फिर आप लोगों को ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो
आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी सबकी।